हेलो, वेलकम टू हर्बल हेल्थ। मैं धीरेंद्र लाल, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। आज मैं आपके साथ में हमारा सिंगल हर्बल प्रोडक्ट सप्लीमेंट का जो प्रोडक्ट लाइन है उसके बारे में बात करूंगा। जैसे नाम बता रहा है, सिंगल हर्बल मीन्स एक ही सिंगल हर्ब्स, जैसे कि आंवला, अश्वगंधा, हल्दी, नीम, सिंगल हर्ब्स इन कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स में जो सप्लीमेंट आते हैं वो प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग, उसके बारे में हमको जानना है कि ये एक मॉडर्न आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। मॉडर्न क्यों? क्योंकि उसको वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आयुर्वेदा 5000 साल पुराना है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड पीपल रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। उनको वो भी मालूम पड़ा कि आयुर्वेद में काफ़ी हर्ब्स ऐसी है कि जिसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है, एंड वो हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत मददगार हो सकती है। कि 60 साल पहले ये लोगों ने रिसर्च चालू कर दिया एक एक आयुर्वेदिक हर्ब्स को लेके, एंड उसमें वो लोगों को बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। जैसे कि टर्मरिक, जो अपना हल्दी है, उसमें एक कुरकुमिन करके एक मॉलिक्यूल उन्होंने ढूंढा कि जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसे हर एक हर्ब्स के अंदर, अश्वगंधा के अंदर भी, नीम के अंदर भी, अपना करेला, जाम्बू, एवरी हर्ब्स के अंदर, एक एक के अंदर वो लोग ने ढूंढा कि एक एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जिसको वो लोग एक्सट्रैक्ट्स बता रहे हैं। आज मॉडर्न वर्ल्ड में उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। वो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी मददगार है। सो ऐसे ये जानकारी इन्वेंशन होने के बाद में ये सिंगल हर्बल सप्लीमेंट का पूरा प्रोडक्ट लाइन वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ, एंड वो काफ़ी पॉपुलर होने लगा धीरे धीरे। एंड उसके देखते हुए हिंदुस्तान में भी अपने सिंगल हर्बल सप्लीमेंट अभी पॉपुलरिटी हो रहा है। एंड पर्टिकुलरली आफ्टर पोस्ट कोरोना ये सिंगल हर्बल सप्लीमेंट का डिमांड काफ़ी आने लगा है। हर्बल हिल में हम लोगों ने सिंगल हर्बल सप्लीमेंट प्रोडक्ट कैटेगरी निकाले हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। एंड अभी डे बाय डे ये कैटेगरी ग्रो हो रही है। उसका मेन 3-4 रीज़न है। नंबर 1 रीज़न कि ये कैटेगरी सिंपल है, यंग जनरेशन्स पीपल कंज्यूम करने के लिए सेफ़ फील कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन गूगल से के आप सोशल मीडिया से गैदर कर सकते हैं। जैसे अश्वगंधा कैप्सूल लेने में किसी को दिक्कत नहीं है, नीम कैप्सूल लेने में दिक्कत नहीं है, एलोवेरा नहीं है। अगर उसको फॉर्मुलेशन की बात करेंगे तो दो बार सोचेगा। यस, ही इज़ राइट, इन ओल्डन फॉर्मुलेशन के लिए देर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स, सो दे आर नॉट श्योर दैट मच। बट ये होम रेमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ट सप्लीमेंट है। हम लोगों ने इनिशियल में 12 निकाले थे, आज ऑलमोस्ट मोर देन 30 सप्लीमेंट्स है सिंगल हर्बल कैटेगरी में। एंड बेस्ट पार्ट, हम लोगों ने फ्यूजन वाले सिंगल हर्बल सप्लीमेंट लिए। फ्यूजन का मतलब क्या कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एक्सट्रैक्ट का फोकस रहता है, सो हम लोगों के ऑल सिंगल हर्बल सप्लीमेंट में हम लोगों ने 50% फुल पाउडर लिया एंड 50% हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट लिया, जिसकी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड का जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का जो रिसर्च है वो भी इसमें आ जावे, ना हमारा आयुर्वेदिक साइंस जो है उसका पूरा हर्ब्स का भी बेनिफिट मिले। फॉर एग्जांपल मैं जब बताऊँ, टर्मरिक में वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कुरकुमिन ढूंढा, हम लोग 50% कुरकुमिन लेते हैं, एंड बाकी हम लोग 50% अपना टोटल हल्दी लेते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लेंडिंग बनने से अपना फ्यूजन वाला कैप्सूल जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एंड वी एज अ कंपनी आफ्टर पोस्ट कोरोना हम लोग काफ़ी इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। वेरी हम लोगों ने काफ़ी नए सिंगल हर्बल सप्लीमेंट भी इंट्रोड्यूस किए हैं, एंड वी बिलीव दैट पीपल विल बी इसको अपना लाइफस्टाइल में कंसिडर करने लगे हैं, एंड करना ही चाहिए ऐसा मेरा पर्टिकुलर मानना है। बिकॉज ये अपनी हेल्थ को प्रिवेंशन करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स है। हर एक को अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, अपना प्रकृति के हिसाब से, जो उसको सूट होए, जैसा होए वैसा कंज्यूम करना चाहिए। एंड नेसेसरी होगा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी कंसल्ट करके, बट ये सिंगल हर्बल सप्लीमेंट लेना चाहिए। वी एज अ कंपनी ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस।
about more and more quality point of view, and future may be planning to introduce more single harvest separate into category. Thank you.